हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीडिया के बारे में कि मल्टीमीडिया क्या हेल्प करता है किसी भी यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया की बात करें तो मल्टीमीडिया क्या करता है कि एक तरह का इंटीग्रेशन है ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ द मीडिया। ठीक है, मीडिया के अंदर बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। टेक्स्ट हो गया, ठीक है, सच है जी, यहाँ पे अगर हम बात कर ले, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, इंटरेक्टिव एलिमेंट, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो होती हैं कि मल्टीमीडिया के अंदर यूज, किसी भी डिजिटल प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को शो कराने के, मतलब अगर कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, अपने एप्लीकेशन के ऊपर, अपने डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर शो कराते हैं किसी भी यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए। यानी मल्टीमीडिया के हेल्प से यूजर क्या करता है कि इजिली कनेक्ट हो पाता है हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विस के साथ। तो आगे अगर हम बात करें, जो भी मल्टीमीडिया होता है ये अलाउ करता है कि ए मोर एंगेजिंग एंड द इंटरेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस बाय कंबाइनिंग डिफरेंट मीडिया टाइप टू कन्वे इंफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कह रहा है कि अगर हम डिफरेंट तरह की मीडिया कोई एक साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उसके हेल्प से क्या करता है कि यूजर्स क्या करता है कि एंगेज करता है मोर इंटरेक्टिव यूजर एक्सपीरियंस को। ठीक है, जैसे टेल स्टोरी हो गया, कम्युनिकेट आइडियाज इफेक्टिवली हो गया, इन सारी चीजों को हम अगर एक साथ ऐड कर लेते हैं तो वहां पे मल्टीमीडिया बहुत ही पावरफुल चीज बन जाती है किसी भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर। क्योंकि मल्टीमीडिया क्या होती है, एक तरह की विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द डेटा जो हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होता है, जिससे यूजर क्या करता है इजिली कनेक्ट हो पाता है और इंटरेक्ट किसी भी ऑपरेशंस को इजिली परफॉर्म कर पाता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, हियर्स एंड द ओवरव्यू ऑफ द मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या चीजों का हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज होती है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है कि मल्टीमीडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टेक्स्ट के हेल्प से ही हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब चीजों को प्रेजेंट करने का काम करते हैं। अगर कोई इमेज है, इमेज के अंदर अगर कोई डेटा लिखा हुआ है तो डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा होगा, तो टेक्स्ट एक तरह का फाउंडेशनल कंपोनेंट ऑफ द मीडिया है। ठीक है, जो भी मल्टीमीडिया है उसकी टेक्स्ट क्या है, एक तरह का फाउंडेशन है जो प्रोवाइड करता है कंटेंट को। ठीक है, कंटेंट्स को प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशंस को प्रोवाइड करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें तो इट कैन बी यूज्ड टू वेरियस फॉर्म्स सच एज हेडिंग, लेबल्स, पैराग्राफ्स एंड कैप्शंस। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारे टेक्स्ट के अंदर। अब बात आती है इमेज, इमेज का यूज करते हैं। इमेज क्या करता है, ऐड करता है एक तरह का विजुअल अपील्स को। ठीक है, तो इमेज क्या करता है, विजुअल्स को ऐड करने का काम करता है और हेल्प करता है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन क्विकली, जो भी इंफॉर्मेशन उसको कन्वे कर पाए इंफॉर्मेशन क्विकली, जल्दी जल्दी। दे कैन भी इंक्लूड फोटोग्राफ्स हो गए, इलस्ट्रेटर्स हो गए, आइकन्स हो गए, चार्ट्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं इजिली किसी डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यूजर्स कहना क्या चाहता है। सपोज दैट अगर हम बात कर ले कि एक पाई चार्ट हमारे पास, ठीक है, डेटा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे डिफरेंट तरह के डेटा उसको शो करा दिया। ठीक है, तो यहाँ से यूजर समझ सकता है कि यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि जो मेल की संख्या है, मेल इसमें है, ठीक है, फीमेल हो गए, ये अदर्स जेंडर हो गए, तो ये सारी चीजें हम शो कराते हैं, तो इजीली हम समझ पाते हैं कि किसकी प्रेजेंटेशन ज्यादा है, मतलब कौन सी डेटा सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। अब उसके बाद आता है हमारा ऑडियो। ऑडियो क्या करता है कि ऑडियो एक तरह का एलिमेंट होता है जो इंडिकेट करता है म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स को, या फिर वॉइस ओवर को, ठीक है, नरेशन को, इन सारी चीजों को वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है ऑडियो। ऑडियो क्या करता है कि जो भी यूजर एक्सपीरियंस होता है उसके लिए यूज किया जाता है। अब मल्टीमीडिया के अंदर जो भी प्रेजेंटेशन होती है, वीडियो या ब्रॉडकास्ट होती है, ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑडियो का यूज कर सकते हैं। अब आगे बात आती है ऑडियोस क्या होता है, चीजें जल्दी से समझ में आती है, आज के डेट में कोई पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, तो सारे लोग क्या चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, सुन के चीजों को सीखना चाहते हैं एक इफेक्टिव वे में। उसके बाद आती है हमारी वीडियो। वीडियो मल्टीमीडिया के अंदर आती है, तो वीडियो क्या होती है, एक तरह के कंबाइंस है, जैसे मूविंग इमेज हो गया, हम किसी इमेज को मूव कर रहे हैं, अब भाई वीडियो हमने कोई बनाया, ठीक है, वीडियो के अंदर आज के डेट में देख रहे हैं लोग मूव इमेज की, हर सेकेंड एक इमेज यहां से मूव हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या चीजें आती है, हमारी ऑडियो आ गई, भाई वीडियो के साथ हम ऑडियो को यूज करेंगे तभी तो उसका एक्सपीरियंस और एनहेंस होगा। समथिंग टेक्स्ट हो गया, ठीक है, क्रिएट ए डायनेमिक एंड इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस हो गया। इट इज वाइडली यूज द प्रेजेंटेशन, एडवर्टाइजमेंट, ई लर्निंग
एंड द एंटरटेनमेंट। तो वीडियो का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, किसी भी डेटा को, किसी भी चीज को प्रेजेंटेशन करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के। तो वीडियो आज के डेट में एडवर्टाइजमेंट के मार्केट में सबसे ज्यादा हो रही है। ई लर्निंग, ई लर्निंग इन द सेंस जैसे मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, ई लर्निंग का पार्ट हो गया। आप क्या कर रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया, डाल दिया, आप उस वीडियो का एक्सेस करके आप लर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ई लर्निंग का पार्ट हो गया। इंटरटेनमेंट, मूवीज, कॉमेडी, सॉन्ग, ये सारी चीजें इंटरटेनमेंट के अंदर आ जाती है। अब उसके बाद आता है एनिमेशन। तो आज के डेट में एनिमेशन ही बहुत ही पावरफुल चीज हो चुकी है, क्योंकि जो भी हमारे मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया के अंदर एनिमेशंस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो मल्टी जो भी हमारे एनिमेशंस होते हैं, एनिमेशन क्या करते हैं कि मूवमेंट करते हैं और इंटरेक्शन करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स के। इट कैन बी यूज टू स्टोरी टेलिंग। ये क्या करते हैं, किसी भी स्टोरी टेलिंग को शो कराते हैं, कि स्टोरी को शो कराते हैं कि क्या चीजें, क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। किसी भी एनिमेशन को आप देखना, ठीक है। उसके बाद ये एनहांस करते हैं यूजर एक्सपीरियंस को, तो एनिमेशन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। उसके बाद इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हो गए। इंटरेक्टिव एलिमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंटरेक्टिव एलिमेंट अलाउ टू यूजर टू एक्टिविटी पार्टिसिपेट इन द कंटेंट, ठीक है। जो भी यूजर्स की पार्टी का एक्टिविटी है वो किसी चीज में पार्टिसिपेट कराते हैं, ठीक है। इंटरेक्टिव एलिमेंट इसमें क्लिकेबल बटन हो गया, नेविगेशन मेन्यू हो गया, क्विज हो गया, इंटरेक्टिव सिमुलेशंस हो गया, मतलब जहां पे यूजर्स क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। सपोज दैट हमने किसी भी डेटा को पढ़ा, ठीक है, यस और नो करने का ऑप्शन, हमने यस किया, फिर किसी डेटा को पढ़ा, यहाँ पे यस नो दो ऑपरेशन। तो यूजर्स क्या कर रहा है, डेटा को ले रहा है, डेटा को दे रहा है, डेटा को ले रहा है, डेटा को दे रहा है, तो इंटरेक्ट कर रहा है एलिमेंट, उसको इंटरेक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। और आगे आता है वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आज के डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो अभी हमने AR और VR के बारे में हम पूरी डिस्क्रिप्शन तो नहीं दे सकते, लेकिन बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जो AR और VR होता है, एक तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो ऑफर करता है कि हम अपने इसी जगह से किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। सपोज दैट किसी दूसरी दुनिया, मतलब वर्चुअल रियलिटी, आपने 3D मूवी देखी होगी। 3D मूवी में क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी का हम यूज करते हैं, मतलब कि आप 360 देख सकते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जब आप हेडसेट पहनते हैं, हेडसेट से जब आप पहनते हैं अपने फोन को, हेडसेट के अंदर लगाते हैं, और जब ऑगमेंटेड रियलिटी से कोई मूवी लगाते हैं, सपोज दैट, तो वहां पे आप अगर नहीं प्रेजेंट हो तो आपको ऐसा लगता है प्रेजेंट। सपोज दैट आपके घर पे किसी की शादी हुई है, ठीक है, और उसकी क्या होगी, सीढ़ी बनी, ठीक है, सीढ़ी बनी, और उस शादी में आप प्रेजेंट नहीं हो। तो अगर वो क्या करती है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से रिलेट करके बनती है, 360 बनती है, तो आप जब हेडसेट को पहन के देखेंगे तो आप उसके अंदर मूवमेंट कर पाएंगे, ठीक है, मूवमेंट कर पाएंगे, जो भी चीजें आप देखना चाहेंगे देख पाएंगे, कि आपको ऐसा फील होगा हेडसेट पहनने के अंदर कि आप उसके अंदर खुद प्रेजेंट है। एक तरह का रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट बनाने का काम करता है। अब आगे बात आती है हमारा वेब बेस्ड मल्टीमीडिया। वेब बेस्ड मल्टीमीडिया आज के डेट में बहुत ज्यादा यूजफुल है, और इसका सबसे ज्यादा यूजफुल यूज किया जाता है। एंड वेब एप्लीकेशन टू क्रिएट द डायनेमिक एंड द एंगेजिंग कंटेंट। तो जो मल्टीमीडिया है वाइडली यूज किया जाता है ऑन द वेबसाइट के ऊपर एंड वेब एप्लीकेशन के ऊपर, क्रिएट करने के लिए डायनेमिक और एंगेजिंग कंटेंट के। दिस में इंक्लूड द इमेज स्लाइडर्स हो गया, ठीक है, एम्बेडेड वीडियो हो गया, बी ऑडियो प्लेयर्स हो गए, एंड द इंटरेक्टिव इंफोग्राफिक्स हो गया। तीन सारी चीजों का हम यूज करते हैं वेब बेस्ड मल्टीमीडिया के लिए। उसके बाद ई लर्निंग हो गया। तो जो भी मल्टीमीडिया का रोल होता है, प्ले करता है क्रूशियल रोल इन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑफरिंग द इंटरेक्टिव लेसन, वीडियो लेक्चर्स एंड द मल्टीमीडिया क्विजेस, और फैसिलिटेट करता है लर्निंग को। तो ये सारी चीजें हो गई ई लर्निंग के अंदर। उसके बाद आता हमारा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गया, मल्टीमीडिया इज यूज फॉर गेमिंग हो गया, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग हो गया, वर्चुअल कंसर्न हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है। अब आगे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कह रहा है कि द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीमीडिया इंक्लूड एनहांस यूजर एंगेजमेंट, इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। भाई अगर हम क्या करते हैं कि मल्टीमीडिया की यूज करते हैं, यूजर एक्सपीरियंस या ज्यादा से ज्यादा यूजर इंटरेक्ट होंगे वो तो होंगे, साथ में क्या होगा कि इम्प्रूव होगा लर्निंग आउटकम, हमको जल्दी से चीजें सीखने को मिलेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंसर्न, ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट होगा उसको हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएंगे। सपोज दैट हम क्या करेंगे, उसके लिए इंफोग्राफिक्स का यूज करेंगे, मतलब इंफोग्राफिक्स के बारे में हमने पिछली यूनिट में डिस्कस किया था, मतलब चार्ट्स के हेल्प से हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड द एबिलिटी टू
इमोशंस एंड द क्रिएट द मेमोरेबल एक्सपीरियंस। तो इसके हेल्प से क्या करते हैं हम कि जो भी मल्टीमीडिया होती है मेमोरेबल एक्सपीरियंस को बनाने का काम करते हैं। अब बात करता है कि जो भी डिजाइनिंग मल्टीमीडिया कंटेंट है रिक्वायर्ड केयरफुली कंसीडरेशन ऑफ द यूजर्स नीड, कि यूजर्स की नीड क्या है उसको ध्यान में रख के हमें मल्टीमीडिया को डिजाइन करना चाहिए। प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी होना चाहिए उसके अंदर एंड एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए फॉर द ऑल द यूजर्स, कि सारे यूजर्स के लिए वो कंपैटिबल डिवाइस के हर कंपैटिबल डिवाइस यानी कि रिस्पॉन्सिव हो। दूसरी चीज क्या हो कि सारे यूजर उसका एक्सेस कर पाए इंक्लूडिंग दोज विद द डिसेबिलिटीज, ठीक है। एडिशनली मल्टीमीडिया एसेट्स होना चाहिए, शुड बी ऑप्टिमाइज फॉर द परफॉर्मेंस एंड लोड टाइम टू इंश्योर द इन सारी चीजों की इंजॉयबल यूजर एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब ओवरऑल है कि अगर हम मल्टीमीडिया को डिजाइन कर रहे हैं तो उससे हम बहुत सारी चीजें गेन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान में देके मल्टीमीडिया को बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखे मल्टीमीडिया को डिजाइन करना चाहिए। सो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मल्टीमीडिया क्या होते हैं, टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। बाय बाय गाइस।